हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल अमिता किचन। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे लहसुन का बहुत ही चटपटा अचार। इसे अगर आप एक बार बना के रख लें तो इसे पूरे साल खा सकते हैं। अगर आप अचार खाना पसंद करते हैं तो इसे ज़रूर बना के खाएं, और अगर पसंद नहीं करते हैं तो भी इसे बना के खाएं, क्योंकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। लहसुन की तासीर गर्म होती है तो ये आपको ठंड से भी बचाएगा और इसे डाइजेशन भी अच्छा रहता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले, अगर आप हमारे वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लहसुन का अचार बनाने के लिए हमने आधा किलो लहसुन लिया। इसे हमने छील कर इसके सारे छिलके हटा लिए हैं। अगर आपको छिलके निकालने में प्रॉब्लम हो तो इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल लगा दें और किसी मोटे कपड़े से इसे रगड़ दें तो इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। या फिर इसे 5 मिनट के लिए गर्म पानी में डाल दें, उसके बाद इसे छीलें तो भी इसके छिलके आसानी से निकल जाते हैं। छीलने के बाद इसे हमने 2 बार अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इसे पोंछकर 10 मिनट इसे पंखे के नीचे डाल दिया था तो इसके सारे पानी सूख गए हैं। अब इसमें ज़रा भी मॉइस्चर नहीं है। लहसुन का अचार अगर आप डेली खाते हैं तो इससे हाजमा बिल्कुल सही रहता है। इसमें कुछ मोटे मोटे लहसुन हैं तो इसे हम निकाल कर अलग कर लेंगे और इसे हम पतला पतला काट लेंगे, क्योंकि पतले पतले ही इसके अचार अच्छे लगते हैं। एक एक लहसुन के हम 2 या 3 पार्ट कर लेंगे तो ये थोड़ा पतले हो जाएंगे। इसी तरह से हम सारे मोटे लहसुन को काट लेंगे। हमने मोटे लहसुन को काट लिया है, अब इसे हम अलग रख देते हैं और इसके मसाले देख लेते हैं। इसके लिए हम 1 प्लेट में 2 टेबल स्पून पीला सरसों डालेंगे। अगर येलो मस्टर्ड सीड नहीं है तो आप इसमें ब्लैक मस्टर्ड सीड भी डाल सकते हैं। कोई भी सरसों या राई लें, ये टेस्टी बनेगा। ये हमने 1 टेबल स्पून सौंफ लिया है, इसे डालेंगे। इसमें सौंफ और मस्टर्ड सीड थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है और इस अचार में सौंफ का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। और ये हमने लिया है 1 टीस्पून अजवाइन, यानी 1 छोटा चम्मच। अजवाइन खाने से हाजमा अच्छा रहता है। 1 टीस्पून जीरा लिया है, इसे भी हम डाल देते हैं। जीरा अजवाइन हम छोटे चम्मच से डालेंगे। और आधा छोटा चम्मच हमने मेथी लिया है। मेथी हम थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि ज़्यादा मेथी डालने से अचार कड़वा हो जाता है। इसी के साथ हमने आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर लिया है और 1 छोटा चम्मच नमक लिया है। और इसके साथ 1 छोटा चम्मच हम काला नमक डालेंगे। काला नमक से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये हमने 1/4 टीस्पून हींग लिया है, यानी 2 पंच के करीब। ये हमने 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है और इसी में हमने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इससे अचार का कलर अच्छा आएगा। इसे आप सिर्फ लाल मिर्च से भी बना सकते हैं और मिर्च कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब ये हमने लिया है ग्राइंडर जार, इसमें हम सौंफ डालेंगे। मसाले को हमने रोस्ट नहीं करना है। अगर मसाले में मॉइस्चर है तो आप इसे 1-2 घंटे धूप में रख दें तो इसके सारे मॉइस्चर हट जाएंगे। अब इसमें हम सारे मसाले डाल देंगे। हम जीरा, अजवाइन, मेथी और सरसों सब इसी में डाल देते हैं। इसे हम ऐसे ही पीस लेंगे। अजवाइन डालेंगे, जीरा डालेंगे और इसमें मेथी डालेंगे और इसी में हम पीला सरसों डाल देंगे और इसी में हम 1/4 चम्मच हींग भी डाल देंगे जो हमने लिया था। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 छोटा चम्मच और 1 चम्मच हम नमक डालेंगे। तो ये हमने 1 टीस्पून काला नमक लिया है, इसे भी हम इसी में डाल देते हैं। और इसी में हम लाल मिर्च पाउडर भी डाल देते हैं। अब हम सारे मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। और ये हमने 1/2 टीस्पून निजेला सीड्स, यानी मंगरेल लिया है, जिसे कलौजी भी कहते हैं। इसे हम पीसेंगे नहीं, इसे हम खड़ा ही डालेंगे, क्योंकि इसे पीस कर डालने से अचार थोड़ा काले हो जाते हैं। तो इसे हम रख देते हैं अभी और सारे मसाले को हम दरदरा पीस लेते हैं। गैस पे हम 1 पैन रखेंगे और इसमें हम 5 टेबल स्पून सरसों का तेल डालेंगे और इसे हम गर्म कर लेंगे। अचार में हमें सरसों का तेल गर्म करके फिर उसे ठंडा करके डालना है। तेल में से धुआं निकलने लगा है, यानी ये गर्म हो गया है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। सारे मसाले को हमने दरदरा पीस लिया है और ये देखिए इस तरह का मसाला बना है, बिल्कुल दरदरा। अब इसे हम निकाल लेंगे। अचार में थोड़ा दरदरे मसाले ही अच्छे लगते हैं। अब लहसुन को हम 1 बाउल में डालेंगे। इसमें से कुछ लहसुन ऐसे हैं जिसमें बीच में थोड़ा हरे हरे हैं तो इसके हरे पार्ट हम निकाल देंगे, नहीं तो अचार खराब होने का डर रहता है। इसे हम धीरे से निकाल देंगे, ये देखिए इस तरह से, क्योंकि इससे अचार खराब होने का डर रहता है।
तो इसके हम ग्रीन पार्ट निकाल लेंगे। अभी हमने लिया है विनेगर यानी सिरका, इसमें हम व्हाइट विनेगर डाल रहे हैं मिक्स फ्रूट्स का। आप इसमें जामुन का सिरका या फिर गन्ने का सिरका, जो भी सिरका हो डाल दें, या फिर इसे बिना सिरका के भी बना सकते हैं। उसकी जगह पे आप इसमें नींबू का रस, सिट्रिक एसिड या फिर एसिटिक एसिड या फिर अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। अमचूर पाउडर से भी ये खट्टा हो जाएगा। तो इसमें हम 2 टेबलस्पून सिरका डाल दिए हैं। अब इसी में हम मसाले डाल देते हैं जो हमने पीस के रखा है। हम सारे मसाले इसमें डाल देते हैं, और ये जो हमने मंगरैल रखा था 1/2 टीस्पून, इसे भी हम इसी में डाल देते हैं। इससे अचार का टेस्ट अच्छा आता है। और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल जो हमने गर्म करके ठंडा करके रखा है। थोड़ा थोड़ा तेल हम इसमें डालते जाएंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। तेल आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर ज़्यादा तेल डालना चाहते हैं तो थोड़ा और बढ़ा के डाल दें, नहीं तो कम तेल में भी ये अचार आसानी से बन जाता है। थोड़ा थोड़ा तेल हम इसमें डालते जाएंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए अचार बन के बिल्कुल रेडी है। अचार को प्रिजर्व रखने के लिए आप इसमें नींबू का रस, अमचूर पाउडर या फिर विनेगर, तीनों में से कुछ न कुछ ज़रूर डालें, जिससे अचार की सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। आप इसे इसी तरह से 1 दिन के लिए बाउल में रख दें, तब इसे कांच के जार में डालें। तो इसे हम इसी तरह 1 दिन के लिए ढक के रख देते हैं। इसे हमने इसी तरह 1 दिन ढक के रख दिया था। अब अचार का कलर निखर के आ गया है और अचार थोड़ा गल भी रहा है। अब इसे हम जार में रखेंगे। अचार रखने के लिए हम एक कांच का जार लेंगे। इसे हमने अच्छे से धोकर साफ कर लिया है और इसे धूप में रखकर इसके सारे पानी सुखा लिए हैं। अब इसमें जरा भी मॉइस्चर नहीं है। अब इसमें हम 1/2 चम्मच विनेगर डालेंगे यानी सिरका। आप इसमें सरसों का तेल भी डाल सकते हैं और नमक भी डाल सकते हैं। और इसे हम जार में चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। अब इसमें हम अचार डालेंगे और इसे हम दबा दबा कर जार में डालेंगे। इसे डालते समय थोड़ा दबा दें तो इसमें तेल कम लगता है। सारे अचार को हम जार में डाल देंगे और इसके ऊपर से हम थोड़ा सा तेल डाल देंगे। अब अचार बन के बिल्कुल रेडी है। इसे 1 से 1.5 हफ्ते तक धूप में रखें तो ये ख़राब नहीं होगा। इसे आप पूरे साल खा सकते हैं। और जब भी निकालें, सूखे और साफ चम्मच से निकालें, तो ये काफ़ी दिनों तक चलेगा। आप इसे एक बार ज़रूर बना के ट्राई करें। आप इसे बनाएं, खाएं और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अचार आपको कैसा लगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।